जी गोस्वामी को लोग कुछ कहते हैं किस को किया दाद के प्रवर्तक। अब जी गोस्वामी को हम कैसे समझेंगे, रूपानुज थे इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु रूप गोस्वामी ने अपने समस्त ग्रंथों में शुद्ध पार्थिव भाव स्थापना की। यह चैतन्य महाप्रभु जी का मनोभीष्ट था, विशेष करके श्रीमती जी की सेवा। जी गोस्वामी ने कुछ परीक्षा कुछ स्वेच्छा उसमें स्वकीय बात का प्रतिपादन किया अनाधिकारी लोगों के लिए, किंतु उनका अपना विचार क्या है ये कैसे पता चलेगा। यदि सत शिष्य है तो वो अपने गुरु के भावों को अपने हृदय में सबको धारण करता है, वो गुरु जी का प्रतिबिंब होता है। जिसको जी गोस्वामी ने सारा जीवन शिक्षा दिया और अपने भावों को जिनमें भर दिया, ऐसे परम गुरु सेवा गुरु निष्ठ हमारे नरोत्तम ठाकुर जी, ये जो शिक्षाएं या उन्होंने अपने पुस्तकों में अपने कीर्तनों में जो लिखा राधा कृष्ण प्राण मोर रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस प्रार्थना करे नरोत्तम। तो ये जी गोस्वामी का यदि वैसा ही विचार होता तो वैसा लिखते। इसलिए विचारधारा का जहां तक प्रश्न है, सिद्धांत का विचार का है, रस का विचार है, रस तत्व इत्यादि है, प्रेम तत्व है, जो उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका और सब छोटे छोटे कीर्तनों में जो उन्होंने प्रकाशित किया है, ये सब जीव गोस्वामी का ही विचार उन्होंने ये सब किया है। इसलिए जीव गोस्वामी को हम लोग नरोत्तम ठाकुर जी के कृपा से हम लोग समझे तब उनके विचार हो सकते।